मौसम भाई होश आ गया भाई। भाई मुबारक हो, आप उठ गए। ये अस्पताल ना बड़ा कर्माई है, यहां जितनी मर्जी गोलियां खा के आ जाओ बंदा बच जाता है। जीवन टांगे बच गई। जी भाई बच गई। चल पाऊंगा मैं? चिपके हुए हैं। भाई वो इस बात का फैसला शाम तक होगा। शाम तक मतलब? मतलब वो डॉक्टर कह रहे थे कि शाम तक चेकअप करके ना फिर बताएंगे कि भाई चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। सर 11:25 हो रहे हैं। हैज ही बीन अरेस्टेड? नो सर, हम तमाम मशकूक जगहों पर रेड कर रहे हैं लेकिन कहीं उनका पता नहीं चल रहा। वकार साहब के घर रेड किया आपने? वकार साहब? सर वो आपके खालू हैं। तो नोबडी इज अबव द लॉ। मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम ही होता है। सर जरनाब भी जर्नलिस्ट हैं, कोई प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। फॉर गॉड सेक्स यार, आई जस्ट सेड नोबडी इज अबव द लॉ। आई नीड सम फर्दर इंस्ट्रक्शन सर। लाइक व्हाट? सर ये रेड किस टाइप की होगी? मुजरिम को ढूंढने जाओ तो रेड की टाइप देखी जाती है क्या? सर कहीं कहीं हमें लिहाज करना पड़ता है। आप फिलहाल रेड करें, लिहाज हम बाद में कर लेंगे। सर जी, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? पुलिस को शक है कि मुन्ना और उसका राइट हैंड आपके घर में छुपे हुए हैं। वारंट है आपके पास? फोन है तेरे पास? जी सर। तुम्हें खोल के देना इसको। पंद्रह मिनट के लिए डिसअपीयर हो जा। जी। भाभी को फोन कर रहे हो?
फोन उठाएं। नहीं उठाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि फोन उठाएं। मैंने कहा नहीं उठाऊंगी। हेलो। फोन स्पीकर पे, घर पे पुलिस आई हुई है। मेरा फोन इंस्पेक्टर के हाथ में। मुझे ढूंढने आया हो यहाँ? शाम से पहले पेश करना है तुम्हें। शाम से पहले तू पेश होगा मेरे सामने? तमीज से मुन्ना, सख्त ऑर्डर है मेरे पास। तेरे सख्त ऑर्डर से ज्यादा सख्त गुस्सा है मेरा। फौरन निकल यहां से, वरना इसी में तेरा मुंह जल जाएगा। नाम बोल तेरा। सैयद अली नाम है मेरा। अब तू देख, शाम को तू मेरे पास पेश होता है या मैं तेरे पास पेश होता हूं। ये फोन अब पुलिस कस्टडी में रहेगा। इस बात की इजाफी सजा मिलेगी, याद रखना। कुरंगी में चने नहीं बेचता मैं। मुन्ना जैसे कई देखे, आए और चले गए, जाते हैं तो फिर किसी को नजर नहीं आते। चलो ढूंढना है साले को। कैसे भाई, हम दो हैं, बाकी सब हवालात में, कहां से पेश करोगे? क्या तू जोक नहीं करा भाई? मैंने तुझे कल भी बताया था, हम दो नहीं तीन हैं। निकल यहां से। कहां? अभी वहां लोकेशन ट्रेस करके यहां पे रेड मार देंगे। मिनिस्टर की दी हुई जगह, यहां कौन रेड करेगा? खुदा के अलावा किसी दूसरे पे ट्रस्ट करना छोड़ दे, ना कर किसी और पे एतबार। मतलब एसएचओ उसके सामने पेश हो? जी सर। देख रहे हो तुम, ये गुंडों ने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को मजाक बना लिया है। सर वकार साहब देख रहे थे मुझे, उनकी आंखों में नफरत थी मेरे लिए। अच्छा, तुमने कहा जनाब से उसका फोन ले लिया था, कहाँ है? अनलॉक करवा दिया? जी सर। तो यानी शाम से पहले वो एसएचओ को टारगेट करेगा, है ना? लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, वो टारगेट करेगा। टारगेट करेगा तो पकड़ा जाएगा। पकड़ क्या करेंगे उसे? कड़केंगे तो हवालात में रखेंगे, मुकदमा चलाएंगे, तो लाने पहुंचाने में सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल जाया होगा। इतना पैसा कहाँ है सरकार के पास? ठीक है, ठीक है, यू मे लीव। जी सर। जोहर की अजान हो गई है, तुम नमाज पढ़ लो। छोड़ दो काम, मैं कर लूंगा ना। पढ़ लूंगी अब्बा। अरे अभी पढ़ो, जाओ, क्योंकि आज उसकी जान को पहले से ज्यादा खतरा है। उसके पीछे कौन है? बहुत लोग हैं। तो मैं नमाज पढ़ती हूं, आप उसको फोन कीजिए और कहिए मेरी तरफ से, अगर मुन्ना को कुछ हुआ, खुदा की कसम मार डालूंगी उसे। सलाम खालू। मैंने सिर्फ ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया है कि इसके बाद तुम क्या करोगे। मैं समझा नहीं खालू। मैं समझ गया हूं, मुन्ना की जान को खतरा है, और इस दफा सचमुच उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसका मुकाबला तुमसे है और तुम ठहरे एक सरकारी गमाश्ते, यानी मुन्ना का मुकाबला सरकार से है। नमाज पढ़ने से पहले मुझे बता के गई है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मुन्ना को कुछ हुआ तो। अरे नहीं नहीं खानो, आप गलत समझ रहे हैं।
मुझे तो अभी भी पता लगा है कि पुलिस ने रेड किया आपके घर पे, और वो एसपी का बच्चा जनाब का फोन भी ले आया है। फोन मेरे पास ही है, मैं थोड़ी देर में भिजवा देता हूँ। You too, Brutus? रहमती को टेक ओवर करने के लिए तैयार। क्या हुआ? लगता है मसल पुल हो गया। ओके रिलैक्स। देखें बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैं अलग देता हूं, मैं आप सबका वफादार रहूंगा, लेकिन किसी का मर्डर नहीं करूंगा। ओके, मर्डर तुम्हारी अपनी डिस्क्रिप्शन। अब आप सब लोग हलफ दो गए, तो मुझसे गद्दारी नहीं होगी। हम हलफ देते हैं, गद्दारी नहीं होगी तुम्हारे साथ। शाम से पहले मेरे बंदों को रिहा कर दिया जाएगा। हो जाए, मैं यहां से सीधा घर जाऊंगा। डन। शाम से पहले एसएचओ सैयद अली मेरे सामने पेश होगा। मुन्ना वो एसएचओ है, उसको कुछ कहना कानून के गिरेबान पर हाथ डालना होगा। फोन करेगा वो, माफी मांगेगा ना? ना, मैं वादा करता हूं ना मैं उस पे हाथ डालूंगा ना कानून के गिरेबान पर। का गुस्सा भाई, मैं रहमती बन गया हूं दिलबर। अरे नहीं भाई, आप रहमती नहीं बन सकते, मैं आपको रहमती बनने नहीं दूंगा। मैं रहमती बन गया तो तुम मुन्ना बन जाना। देख दिलबर, हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है, अगर हम हार गए तो गरीब इसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहां से। ऐसे चो आए तो उसे इज्जत से बिठाना। जी भाई। लो, एक रात में मुंह लटका लिया तुम लोगों ने। हाँ भाई, ठरकी इधर देख। असगर, दूध पत्ती लगा भाई। ओए, अरे कैसे हो तुम लोग?
एक रात में क्या शक्लें होगी तुम लोगों की। मौत मारे रोया नहीं मैं, लेकिन आइए आइए। अरे आए हैं अपना ही घर समझे। क्या पिएंगे, चाय कोला या जूस? सलाम। और सलाम। बैठो। अब ये ना समझना कि यहां आकर आप मुझसे हार गए हो या फिर मैं जीत गया हूं। मैं आपसे जिस हाल में भी मिलता यही कहता हूं कि अपने इदारों की नौकरी करो। अफसरों की नौकरी करके इदारे बर्बाद हो जाते हैं, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। आप इनको मार रहे थे, आप किसी डीसीओ की नौकरी कर रहे थे, अब यहां मुझसे मिलने आए हो तो अब भी किसी तगड़े की नौकरी कर रहे हो। जिम्मेदारी इदारे सब कहीं पीछे रह गए। चलिए चाय पीते। आराम से भाई। डॉक्टर वो ठीक हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह जरूर। हाँ क्या मतलब, मैं अपने पैरों पे चल पाऊंगा ना? हाँ चुप क्यों है डॉक्टर? वो कराची में क्या लोग मुझे रहमती लंगड़ा बोलेंगे? डोंट यू वरी अबाउट दैट, यू विल बी ऑल राइट। क्या मतलब है? नो नो नो, पक्का जवाब दो भाई मुझे। भैया सीधा जवाब क्यों नहीं देता है मुझको? मैं पूछता हूँ। इससे पूछो। चल उठा मुझे आराम से। आराम से छोड़ दे छोड़ दे। तकिया पर कर। आराम से। क्या भाई भूखे? अच्छा रख दे भैया, रखने का नहीं है, मुन्ना ने भेजा है। और साथ में ये लेटर भी भेजा है। लेटर? मुन्ना के ऑफिस से आया है, उसके दस्तखत और मोहर के साथ। वाह पागल हो गया है क्या? सलाह पढ़ के? नहीं अभी नहीं, ये चला जाए ना फिर पढ़ता। चल भाई तेरा काम हो गया। जी भाई। चल निकल। तब पढ़। हाँ डियर रहमती। समझ के कुत्ता भौंक रहा है और तू पढ़ता रहे। जेरे दस्तखती दुआ गो है कि तुम जल्द ठीक होकर अस्पताल से रिहा हो जाओ। कल रात मैंने तुम्हारी जगह हुकूमत की बागडोर संभाल ली है और कुर्सी पर बैठते ही
तुम्हारी सबकदोशी का हुक्मनामा जारी करती है। क्या क्या बोला? और ये जेरे दस्तखती क्या होता है? जेरे दस्तखत जो खत के नीचे जो साइन करता है ना, वो यही लिखा हुआ है। आगे पढ़। डियर भाई, ओ आगे चलना चुपकी हो जाता है। तुम्हारे पास मेरी हुकूमत को तस्लीम करने के सिवा ना कोई चारा है और ना ही उसकी कोई गुंजाइश बाकी है, लिहाजा इनकार और एहतजाज दोनों को बगावत तस्लीम किया जाएगा। मुश्तरी होशियार बाश, जेरे दस्तखत आपका इकबाल मुन्ना। कुत्ता, पागल हो गया तू? पूछ डॉक्टर से कब सही होगी। जी भाई, और ये आपका लेटर। फ्लैश को जांच के साथ पूछ के आओ। आप एक बार ऊपर बात कर लें तो मुन्ना 4 घंटों में मार दिया जाएगा। ऊपर? ऊपर किससे? 2 ताकतवर हुकूमती मिनिस्टर्स मुन्ना को हर हाल में जिंदा देखना चाहते हैं। तुम डीसी और फारस अहमद को डरा रहे हो? अगर ये ब्यूरोक्रेसी हुकूमती मिनिस्टर से डरने लगी तो हम सिविल सर्वेंट्स नहीं हुकूमती सर्वेंट्स बनकर रह जाएंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा। ऊपर ये बात सबको मालूम है कि आप मुन्ना को जिंदा नहीं देखना चाहते। सो आई डोंट गिव अ डैम। आपको धीमे खेलना होगा सर। बस एक बार ये तासुर खत्म कर दें कि मुन्ना की मौत में आपकी मर्जी शामिल है। अच्छा, फिर मुन्ना को बुलाकर उससे मीटिंग कीजिए। जाते हुए सी ऑफ करने की रिकॉर्डिंग बनाइए, ना चाहते हुए भी मुस्कुराइए और दिखाइए कि आप अमन अमा की खातिर किसी से भी मिलने और कुछ भी करने को तैयार हैं। और ये वीडियो जो बनेगी ये कहाँ, टीवी पे चलेगी? ऑफ कोर्स नॉट, मगर ये आंखों के सामने चलता रहेगा और गवाहियां आंखों से देख कर दी जाती हैं। आप एक काम करें। जी सर। शाम को आकर मुझसे मिले, हम खाना साथ खाएं। राइट सर। खबर हम भी आ रहे हैं। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। मुन्ना कहाँ है? भाई प्राइवेट कमरे में, वो सारी इंपॉर्टेंट कॉल वही लेता है। मुझे दिखाओ। क्या वो प्राइवेट है? तो भाई आगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आई एम सॉरी वकार साहब, एक इंपॉर्टेंट कॉल थी, वो सुन लो। कहाँ? जरूरी कॉल कहाँ सुनते हो? ओ, तो उसके लिए सेपरेट रूम बनवाया तुमने? वाह मुन्ना, तुम्हारे तो ठाट हो गए यार। प्रोटोकॉल चल रहा है। और हमें देखो, तो ऐसी मुंह उठाकर आ गए कि चलो भाई मुन्ना से मिलते हैं। मुन्ना तो यहाँ है ही नहीं। मुन्ना साहब होते हैं यहाँ। मुन्ना जेंटलमैन बन गया ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा आपको। याद है जब कहा था तुम ज्यादा देर नहीं जियोगे मुन्ना, जेंटलमैन मार डालेंगे तुम्हें। अरे चलो, जेंटलमैन ऐसे थोड़ी होते, पेंट कोट पहनते, टाई लगाते,
मिल बैठकर सारा मुल्क खा जाते हैं। अंग्रेजी बोलते हैं वो, तुम तो अंग्रेजी बोलते ही नहीं हो। तो अंग्रेजी आती नहीं ना मुझे। वही तो जेंटलमैन कैसे बनोगे? टाई कोट का बोल दिया ना, कल डिलीवरी हो जाएगी। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है मुझे, वो बोलने में रवानी नहीं है। रवानी बोले तो फ्लुएंसी। वो भी चुटकियों में सीख जाओगे तुम। यस आई विल। फिर तुम लंबा जियोगे। वो क्या है कि गरीब जब भूख से मरने लगे ना, तो उसको लूट कर खाने वाले उनकी जिंदगी लंबी हो जाती। मैं ज्यादा देर ना जियो। जियो लेकिन किसी की जान लेके ना जियो। अरे बस क्या चल रहा है यार, चुप कर जाओ, सुकून से चाय तो पीने दो। ओहो हाँ हाँ हाँ, पियो पियो चाय पियो। ये है वो कमरा। यहाँ किससे बात कर रहे थे? एक मिनिस्टर से, जिसको अंग्रेजी नहीं आती पर है वो पूरा जेंटलमैन। तो तुम मिल गए उनके साथ? हाँ ना, मैं मिल गया उनके साथ। मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा? जनाब को आ गया यकीन, और सच कहूं तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं शर्म से डूब के मर जाऊं। पहले मैं उनको दूर से जानता था, वकार साहब, रहमती के मुंह से कहानियां सुनता था। अब मैं उनके साथ रहकर उनको देखता हूं, लगता है मैं मिल गया उनके साथ। तो अब मैं उनके साथ मिल गया हूं, तो क्या मेरा दिल भी उनके साथ मिल गया? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। I'm sorry. मैंने गरीब और गुरबत को ऐसे देखा है कि आज तक उन दोनों के गम से निकल नहीं पाया मैं, और उससे भी बड़ा गम यह है कि यहां बहुत सारे लोग इसलिए अमीर हैं कि उनकी वजह से बहुत सारों को गरीब होना पड़ता है। मैं लड़ने निकला हूं वकार साहब, और ये लड़ाई लड़नी मुझे आती नहीं। उन्हें जीतने का कोई गुर आता है मुझे। तुम जीतोगे मुन्ना। आप साथ हो तो लगता है मैं हारूंगा नहीं। क्या करोगे, जान ले लोगे? अपने दुश्मन की जान नहीं लेता हूं, लेकिन आप ही बताइए, जो हम सबका दुश्मन है उसकी जान लेना तो जायज है ना? हुकूमत पे हुकूमत नहीं बनाई जाती। हुकूमत पे हुकूमत तो बनी हुई है वकार साहब, इसीलिए तो पुलिस काम नहीं करती, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। मैंने अपनी आंखों से देखा है,
पुलिस को किसी मिनिस्टर का फोन आ जाए तो बाद में आते हैं, और अगर रहमती फोन करे तो फौरन, और अगर किसी अच्छे मिनिस्टर का फोन आ जाए तो उसको कानून पढ़कर बताते हैं कि सर फलां सेक्शन के तहत ये काम नहीं हो सकता। वो बेचारा सोच के डर जाता है कि शायद वो कोई गैर कानूनी काम के लिए कह रहा है। रहमती बस हुक्म देता था, वक्त बताकर कहता था कि काम इतनी देर में हो जाए, और वो हो जाता था वकार साहब। कानून और उसकी सेक्शंस की ऐसी की तैसी। वही डॉक्टर, वही नर्स, वही इलाज, लेकिन मैं 10 दिन में ठीक होने वाला नहीं हूं। अभी साले पूछता क्यों नहीं है? क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि वो टिफिन लेके आती ना ही नमाज पढ़कर मेरे लिए दुआ मांगती, नर्से भी हंसती है मुझ पे। नहीं भाई, वो हंस नहीं रही थी, हंस रही है, खुश हो रही थी कि भाई को लाइव देख रही है। आप सेलिब्रिटी हो भाई। मुन्ना का बता, मुन्ना फ्लाइट पे है भाई। क्या मतलब, कहाँ जा रहा है वो? नहीं, जा कहीं नहीं रहा, उड़ान भर रहा है। पूरा इलाका ऐसे अरेंज करवा रहा है जैसे इंटीरियर मिनिस्टर लगा हुआ है। तुझे मौका मिला ना तू भी यही करेगा? अरे नहीं भाई, नहीं कर, नेवर। आपका नमक खाया है मैंने, हलाल करके दिखाऊंगा। क्या कहा? हलाल करके दिखाऊंगा नमक। तो करके दिखा। क्या करके दिखाऊं भाई, हुक्म करे। मार दे मुन्ना को। मारेगा? नहीं तो चल मुझे मार दे। नहीं भाई, मार दे ना। ये नहीं कर सकता भाई, साले तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू वो आदमी है, दफनाने के लिए चला जाएगा, किसी को बचाने के लिए नहीं आएगा। छोड़ दे इसको। पता है उसने मुझे आई लव यू कह दिया? ना करें। सच्ची? डायरेक्ट आई लव यू? आई लव यू से भी ऊपर। आप भी बोल देती आई लव यू टू? कहना पड़ा भाई, जात का गुंडा है, इनकार करती तो पता नहीं क्या कह देता। कुछ ना कहता। बल्कि भाई ने बोलना था, इट्स ओके। तुम अपनी सुनाओ। अपनी क्या सुनाओ? तुम्हारी वाली कौन थी? शगुफ्ता। बड़ी शगुफ्ता शगुफ्ता होगी। वो बोला था ना उसकी शादी हो गई थी। बिछड़ गई? हाँ हाँ, बिछड़ गई। आई एम सॉरी दिलबर। नहीं नहीं, इट्स ओके। याद आती है ना बहुत?
अबे रोटियां पकाई हैं? भाई पकाने जा रहा हूँ, जल्दी कर। ये पकाएगा रोटियां? नहीं, शगुफ्ता आके पकाएगी। मैं पकाती हूँ। रहने दे, भाई आएगा मुझे आंखें दिखाएगा, रहने दे। मेरे सामने? अरे आपके सामने तो हिम्मत भी नहीं दिखा सकते, आपके जाने के बाद मुझे आंखें दिखाएंगे। अरे जाने दो, रोटियां मैं ही पकाऊंगी। अब यार आप प्लीज वापस ना जाइए। क्या? दो दिन से हिम्मत जोड़ रहा हूं ये बात करने के लिए, लगा अब कह दूं। आप लोग मुझसे दूर हो गए तो वीकनेस बन जाओगे मेरी। तुम जरनाब से शादी कर लो, उसको अपनी वीकनेस बनाने के बजाय अपनी ताकत बना लो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं,